प्यारे दोस्तों, देखिए जब आप कहीं या हिल पे होते हो या ऊंचाई में होते हो या किसी गली में होते हो तो क्या हो जाता है कि ना कि आपकी जो हैंड ब्रेक है वो काम नहीं करती है। तो जैसे मेरी गाड़ी की हैंड ब्रेक ने काम नहीं किया, तो अगर आप इस स्थिति में हो, आपको पता है कि आपकी हैंड ब्रेक काम नहीं करती है, तो गाड़ी आप चले गए पीछे से गाड़ी नीचे चले जाएगी और कहीं भी ठुक जाएगी। ऐसा ही हुआ है। देखो ये टेंट इस बात का सबूत है कि मेरी हैंड ब्रेक जो मैंने लगाई थी जाते हुए वो काम नहीं किया। उस टाइम मुझे बताया गया था, जैसे मुझे नॉलेज है, कि गाड़ी को गियर में रख दो। तो हम आज सीखेंगे कैसे। देखो ये, देखो इधर आइए, ये हैंड ब्रेक मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हो, पर ये काम नहीं करती है। पर मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है, तो अगर इसको ऊंचाई है, अगर इसको गाड़ी है, ये जा रही है, यानी जा सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, इधर देखो हल्का सा, ये गाड़ी है, इसको पहले गियर में रख दिया हमने, गाड़ी तो बंद है, इसको पहले गियर में रख दिया, या आपने इसको दूसरे गियर में रख दिया, गाड़ी बंद होनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी जाएगी नहीं, इसको धक्का लगाओ, गाड़ी नहीं जा सकती। अदरवाइज अगर न्यूट्रल में है, ये न्यूट्रल में है, अब मैं इसको मैं धक्का लगाऊंगा, गाड़ी जाएगी। ये देखो गाड़ी जाएगी, ये गाड़ी जा रही है आगे, ये गाड़ी जा रही है। अगर मैं इसको गियर में कर देता हूँ, ये गियर में कर दिया, ये गियर में कर दिया, आप जितना मर्जी धक्का लगाऊं, ये धक्का लगा रहा हूँ, गाड़ी नहीं जाती, एक इंच भी नहीं जाती। देखो जितना मर्जी लगा दूं धक्का, गाड़ी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं। ये देखो नहीं जा सकती, क्योंकि वो गाड़ी गियर में है, जितना मर्जी लगा देता हूँ, ये देखो नहीं जा रही। जब चीज गियर में होती है तो वो गाड़ी नहीं जाती। अगर ये गियर में नहीं है, ये न्यूट्रल किया हुआ है, आपने हैंड ब्रेक आपकी काम नहीं कर रही, अब देख सकते हो गाड़ी अब जाएगी, अब गाड़ी जाएगी, ये जा रही है। ऐसे ही हुआ था, मेरी हैंड ब्रेक काम नहीं किया और गाड़ी आगे चली गई ऊंचाई से नीचे और कहीं ठुक गई। तो आपने ये गलती नहीं करनी किसी भी हालत में। ओके, थैंक यू।